ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने को आई हूं अभी। प्लीज टिक जाओ। वैसे तो मेरे बॉडी में सारे विटामिन्स ठीक है, बस विटामिन यू की कमी है, जो तुम्हें देखने के बाद पूरी हो जाएगी मेरे डॉग में। जब तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती तब तक तुम्हें देख कर ही काम चलाना पड़ेगा। टिक जाओ। घर के एंट्री पर सुंदर सी रंगोली बनी हो तो घर आना शुरू होता है। अभी घर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर वापसी की तैयारी तो शुरू हो गई। बहुत जल्दी तुम्हारे पास में वापस आने वाली हूं, अभी हमेशा के लिए, इसलिए रंगोली बना रही हूं। ऐसा लगा जैसे जैसे कोई था। अभी आज तो बड़ा ही शुभ दिन है जो तूने खुद मुझे फोन किया। हाँ सब कुछ ठीक है यहाँ पर। अभी तू उदयपुर वापस कब आ रहा है? हाँ तो याद तो आएगी ना तेरी, तो जल्दी आ जाना बेटा। अभी अभी उदयपुर में नहीं है। क्यों कान्हा जी, क्यों आप नहीं मिलवाना चाहते मुझे और अभी को? क्यों क्यों मैं एक झलक नहीं देख सकती? अभी अभी मेरा सच नहीं जानता है, पर आप तो सब जानते हैं ना कान्हा जी, पर आप क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे? क्यों क्यों ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जितनी परीक्षा लेना है ले लीजिए, जितना पेशेंस टेस्ट करना है ना कर लीजिए,
मैंने अपने अभी के नाम की सांस अभी भी बचा रखी और मेरे हिस्से की सांस मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। आज नहीं तो कल आप ही मिल पाएंगे मुझे मेरे अभी से। सोचा था जब तक मैं नहीं मिलती तुमसे, मेरा आई लव यू तो जरूर पहुंच जाएगा तुम तक, पर शायद मेरा आई लव यू तुम मेरी आवाज में सुनना चाहते हो। होगा भी, ये भी बहुत जल्द होगा। मैं तो बता क्या कहता हूँ कि सर्जरी करके ना मेरी बॉडी में से एक आध पार्ट निकाल लो, कुछ वेट कम हो जाएगा मेरा यार। आप ये कर सकते हैं या फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आजकल के डॉक्टर्स की, मतलब मेहनत से बचना चाहते हैं, पेशेंट को सीधे एक्सरसाइज रिकमेंड कर दिया, काम खत्म। मेरी भी यही शिकायत है आजकल के पेशेंट से। आजकल के पेशेंट ना मेहनत से बचते हैं, सीधा डॉक्टर को कह दिया ऑपरेशन कर दो, थोड़ा हल्का कर दो। ये शिकायत आप मुझसे नहीं कर सकते, मैं जयपुर आया हूँ सर्जरी करवाने के लिए। सर्जरी का नाम है क्या, म्यूजिक इवेंट कवरेज। सब पता है मुझे, भाभी ने बताया। सब खबर रखते हैं आप है? फिनाले है डॉक्टर, मॉरिशस म्यूजिक अवार्ड्स। व्हाट अ एनर्जी, व्हाट अ फन। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आपको भी आना चाहिए, मैं आपको वीआईपी पास दिला देता हूँ, म्यूजिक तो आपको पसंद ही होगा आई एम श्योर। Best of luck for your audition. I hate music. डॉक्टर मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको म्यूजिक पसंद है, ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनको म्यूजिक नहीं पसंद है, मगर ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जिसको म्यूजिक से नफरत, कमाल है। जिसका बर्थडे या सर्जरी होती है ना उस दिन उसी की बात होती है। आपकी सर्जरी है, आपकी बात कर लें। अब मेरी बात करोगे तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। I'm telling you डॉक्टर, इस बार एक लड़की है माया, ये इवेंट वही जीतने वाली है, बैट लगा लो। अच्छा डॉक्टर देखो, मैं आपसे सर्जरी करवा रहा हूँ ना है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको इस इवेंट में आना ही पड़ेगा, प्लीज मना मत करना। मैंने कहा ना मुझे म्यूजिक में। अरे बैट लगा लो डॉक्टर, मेरी बात मानो, मजा आ जाएगा, पर मजा ना आया तो वापस आ जाना है, टेंशन क्या है। अब देखो मैं आपका पेशेंट हूँ है ना, आप नहीं आओगे ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं खुश नहीं फील कर पाऊंगा, और खुश नहीं फील कर पाऊंगा तो मेरी हीलिंग भी स्लो हो जाएगी ना। अब ये तो मेडिकल साइंस कहती है, am I right? तू भाभी का बॉस नहीं होता ना तो मैं आज ही पूरी हीलिंग करके भेजता तुझे। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश नहीं डॉक्टर, आपको आना ही पड़ेगा। तो सी यू देन, मिलते हैं। म्यूजिक इवेंट ये रिश्ता क्या है।